राइट सो फॉर दैट रीजन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एडजेक्टिव्स है क्या ठीक है नेक्स्ट वी हैव इज द केसेस ऑफ एडजेक्टिव्स अब हमने नाउन्स एंड प्रोनाउंस में जो है केसेस किए थे एडजेक्टिव्स के राइट right? तो अब यहां पर एडजेक्टिव्स में भी केसेस होते हैं ठीक है नाउंस एंड प्रोनाउंस में हमने केसेस किए यहाँ पर भी केसेस है तो उनको भी कवर करेंगे नेक्स्ट वी हैव इज द ऑफ एडजेक्टिव्स अब एडजेक्टिव्स जो है बहुत सारे काइंड के होते हैं बहुत सारे टाइप्स के होते हैं तो कौन कौन से हैं क्योंकि हमें जो है टाइप्स अगर हम सीखेंगे तो क्वेश्चन आते हैं इस तरह से कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टाइप का जो है एडजेक्टिव है

प्रोनाउंस है सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा जो गड़बड़ी हो गई है ठीक है टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस नहीं आएगा चलिए आगे चलते हैं सो वी हैव वट आर एजेक्टिव सो एब्जेक्टिव बेसिकली आपके क्या है सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए राइट सो वट आर एडजेक्टिव एब्जेक्टिव क्या है राइट right? हमने सीखा नाउंस एंड प्रोनाउंस के बारे में सीखा राइट वी लर्न अबाउट नाउस एंड प्रोनाउंस कि नाउंस जो हैं आपके वो वर्ड्स होते हैं नाउंस आपके वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी चीज़ को नाम देते हैं यानी कि जितने भी चीज़ें हमारे ब्रह्मांड में है उनका कुछ ना कुछ नाम होता है और उनके नाम के लिए जिन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है वही वर्ड्स तो आपके नाउंस होते हैं राइट right? तो नाउंस बेसिकली आपके क्या होते हैं Naming words. क्या होते हैं नेमिंग वर्ड्स ठीक है जैसे कि पेन हो गया स्पेक्टिकल्स हो गया बैग हो गया पैंट हो गया right? नाउंस के बारे में हमने इन डेप्थ नॉलेज जो है नाउंस वाले सेक्शन में ली थी नेक्स्ट वी हैव प्रोनाउंस अब प्रोनाउन्स जो तो है आपके बेटा देर रिप्लेस वॉट ये नाउन को रिप्लेस करते हैं देर रिप्लेस नाउंस ठीक है नाउंस को रिप्लेस करने का काम किन का है प्रोनाउंस का है अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव्स अब एडजेक्टिव्स का काम क्या है सबसे बड़ा सवाल राइट right? हमें नाउंस का समझ में आ गया हमें प्रोनाउंस का समझ में आ गया क्वेश्चन है एडजेक्टिव्स का क्या काम है ठीक है जो आप देखेंगे जो चीजें होती हैं जैसे कि ये पेन है दिस इज नाउन राइट अब मुझे इसके बारे में और बताना है राइट right? ये ब्लैक कलर का है एंड प्लास्टिक से बना है इसकी स्ट्रेंथ जो है बहुत अच्छी है ये बहुत अच्छा दिखता है पेन तो ये सब जो है मैं इसके लिए वर्ड्स यूज कर रही हूँ इसको एक्सप्रेस करने के लिए राइट right? तो बेसिकली एडजेक्टिव क्या होते हैं बेटा एज्जेक्टिव आर द वर्ड्स दैट आर यूज टू एक्सप्रेस या फिर टेल अर्स समथिंग अबाउट नाउम्स जो हमें नाउन् के बारे में कुछ बताते हैं किसी भी नाउन के बारे में बता रहे हैं ठीक है या मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलू वो वर्ड्स जो नाउन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं एट्रेक्टिव अब एग्जाम्पल से समझते हैं ठीक है वी हैव अ वर्ड एंड दैट इज बॉय ठीक है हमारे पास ये वर्ड है ठीक है क्या है बॉय राइट right? अब ये जो वर्ड है ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है आपका नाउन से ठीक है किससे बिलोंग करता है नाउन से ठीक है अब बॉय को अगर मुझे रिप्लेस करना है यानी कि प्रोनाउन अगर मुझे यूज करना है इसके लिए तो मैं क्या यूज करूंगी बेटा ही यूज करूंगी राइट ठीक है अब मैं इसके बारे में जो है और कुछ भी आपको बताना चाह रही हूं इसके बारे में मैं आपको बता रही हूं इसकी क्वालिटी बता रही हूं मैं बोल रही हूं दैट ही इज इंटेलिजेंट दिस बॉय इज इंटेलिजेंट तो मैं बोलूंगी इंटेलिजेंट बॉय ठीक है इंटेलिजेंट बॉय ठीक है अब देखो यहां पर क्या हुआ है बॉय जो वर्ड है आपका दिस इज वॉट दिस इज अउन राइट ये मैंने आपको बता दिया ही क्या हुआ ही इज अ प्रोनाउन ही क्या है प्रोनाउन है है ना अब यहां बोला इंटेलिजेंट बॉय बॉय जो वर्ड है दैट इज अउन ठीक है इंटेलिजेंट क्या होगा इंटेलिजेंट क्या होगा इंटेलिजेंट जो वर्ड है देखो दिस इज बींग यूज फॉर दिस नाउन इस नाउन को एक्सप्रेस करने के लिए इंटेलिजेंट वर्ड का यूज किया जा रहा है राइट right? तो यहां पर जो ये इंटेलिजेंट वर्ड है आपका दिस इज व्हाट दिस इज एन एडजेक्टिव क्या है एडजेक्टिव है सो इंटेलिजेंट वर्ड यहां पर एस को बॉय को जो है एक्सप्रेस कर रहा है दैट्स द रीजन व्हाई इंटेलिजेंट जो वर्ड है दिस इज कंसिडर्ड एज एन एडजेक्टिव इसको हम क्या बोलेंगे एडजेक्टिव बोलेंगे क्लियर सो एडजेक्टिव क्या होते हैं एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड या फिर द वर्ड्स एड आर यूज टू एक्सप्रेस द नाउंस उन्हें हम क्या बोलते हैं उन्हें हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स क्लियर यहाँ पर जो है आई होप सबको समझ में आ गया होगा अब देखो कुछ यहाँ पर सेंटेंसेस हैं हम इनमें आइडेंटिफाई करते हैं हमारे एडजेक्टिव क्या है क्योंकि क्वेश्चन में देखो आपके आ सकता है दैट आपको एक सेंटेंस दे दिया आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन सा वर्ड है नाउन कौन सा है प्रोनाउन कौन सा है राइट right? ये आपको आइडेंटिफाई करना कर सकता है सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस है द होमलेस बेगर हैजंट ईटन इन डेज ठीक है सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे हम नाउन ढूंढेंगे क्योंकि एडजेक्टिव जो है वो किसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है एक नाउन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है ठीक है तो यहां पर नाउन आपका क्या है बेगर बेगर क्या होता है भिखारी राइट एंड दिस इज यूज्ड फॉर अ पर्सन और एक पर्सन क्या होता है एक ह्यूमन बीइंग क्या होता है नाउन होता है तो बेगर यहां पर क्या है दिस इज अ नाउन अब इसको इसको एक्सप्रेस करने के लिए इसके बारे में बताने के लिए क्या किसी तरह के वर्ड का यहां पर यूज हुआ है बिल्कुल हुआ है एंड दैट इज होमलेस ठीक है तो होमलेस वर्ड जो है यहां पर क्या है होमलेस वर्ड जो है आपका दिस इज एन

दोनों नाउन है बट जो लिटल वर्ड है ना बेटा आपका दिस इज एक्सप्रेसिंग नाउन लैम्ब को लैम्ब जो कि क्या है एक नाउन है इसको ये एक्सप्रेस कर रहा है सो दैट्स द रीजन वाई यहां पर लिटल जो है क्या है दिस इज एन एडजेक्टिव नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट बोल रहा है द सेल्फिश जॉइंट डिडंट अलाउ द चिल्ड्रन टू एंटर हिज गार्डन ठीक है जॉइंट क्या होता है जो बड़ी हाइट वाले होते हैं जैसे कि गोलेवर्स ट्रैवल में था राइट तो जाइंट यहाँ पर क्या है नाउन है ठीक है अब जो सेल्फिश है वो इस जाइंट वर्ड को एक्सप्रेस कर रहा है। सेल्फिश यानी कि मतलब ही राइट सो so, सेल्फिश यहाँ पर जो वर्ड है दिस इज एडजेक्टिव। नेक्स्ट है द फुलिश डॉग डॉग क्या है नाउन उसको एक्सप्रेस कर रहा है वर्ड फुलिश फुलिस foolish foolish क्लियर हम? हम है भेजे में बैठ गया होगा ठीक है तो दुलिश डॉग बाग एट एट्स रिफ्लेक्शन एंड लॉस्ट इट्स फूड ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट अब हम हार जाते हैं अपने Cases ऑफ adjectives पर सबको समझ में आ गया होगा इतने में कि हम कैसे जो है एडजेक्टिव्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो बेसिकली सिंपल सा लॉजिक क्या है कि जो आपके एडजेक्टिव्स होते हैं ठीक है ठीके? जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनका काम क्या होता है नाउन को एक्सप्रेस करना अब नेक्स्ट थिंग वी हैव इज केसेस ऑफ एडजेक्टिव्स अब इसको समझने के लिए ठीक है इसको समझने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल्स लेने होंगे जैसे कि मैं बोल रही हूं राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय ठीक है क्लियर नेक्स्ट एक और सेंटेंस लिख देती हूं Ram is obedient. ठीक है अब दोनों सेंटेंसेस में हमें क्या आइडेंटिफाई करना है हमें आइडेंटिफाई करना है एडजेक्टिव फर्स्ट सेंटेंस देखो क्या है राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय यहां पर बॉय क्या है नाउन है राइट right? राम भी नाउन है ठीक है राम भी नाउन है बॉय भी नाउन है अब ये दोनों जो है राम और बॉय एक ही है राइट right? एक ही है एक ही नाउन की बात हो रही है यहाँ पर ठीक है राम एक लड़के का नाम है ठीक है तो उसका लड़का होना भी इज ऑल्सो सेम राइट सिमिलर ही हुआ नाम से पता चल जाता है कि कोई भी पर्सन बॉय होगा या गर्ल होगा राइट तो यहाँ पर देखो क्या है यहाँ पर राम की क्वालिटी को एक्सप्रेस किया गया है कि वो कैसा है वो इंटेलिजेंट है राइट right? कैसा है इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंट वर्ड आपका क्या होगा दिस विल बी कंसिडर्ड एज एन आर्जेक्टिव ये क्या बन गया आपका ठीक है नेक्स्ट है राम इज ओबीडियंट अब यहां पर देखो अगेन राम क्या है नाउन है एंड ओबीडियंट जो है इसके बारे में बता रहे है, राम के बारे में सो ओबीडियंट वुड बी वॉट एडजेक्टिव क्या होगा एडजेक्टिव होगा क्लियर समझ आ गया अब यहां पर एक चीज देखो क्या फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देखो राइट right? यहां पर देखो दो नाउन है है ना दो नाउन है ठीक है एक नाउन ये है और एक नाउन ये है अब देखो इसमें क्या है फर्स्ट सेंटेंस में जो आपका एडजेक्टिव है वो नाउन से पहले आ रहा है ठीक है नाउन से पहले आ रहा है राइट और नाउन के बाद में भी आ रहा है जो एडजेक्टिव है इस एग्जाम्पल में वो एक नाउन के बाद में भी आ रहा है और पहले भी आ रहा है है ना अब नेक्स्ट एक और देखो यहां पर क्या है राम है क्या है राम इज तो यहाँ नाउन के बाद में एडजेक्टिव आया और यहाँ पर कुछ हमने कोई भी नाउन नहीं लगाया है राइट? Right? है ना जरूरी नहीं है कि एडजेक्टिव हमेशा एक नाउन के आगे आए कुछ केसेस में ये आगे आ सकता है कुछ केसेस में ये पीछे आ सकता है अब ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ एजेक्टिव आप आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई भी एडजेक्टिव जो है वो किस केस का होगा ठीक है अब देखो एग्जाम्पल में एक क्या है नाउन के बाद आ रहा है एक क्या है नाउन के पहले आ रहे ऑफ एडजेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू नाउन कि अगर आप उसे नाउन के पहले लगा रहे हो तो एक केस बन रहा है नाउन के बाद में लगा रहे हो तो एक केस बन रहा है ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी केसेस ऑफ वी हैव टू केसेस ऑफ एडजेक्टिव हमारे एब्जेक्टिव के जो केसेस होते हैं बच्चा वो कितने होते हैं जो हमारे केसेस होते हैं बेटा एडजेक्टिव के वो कितने होते हैं वी हैव टू केसेस ऑफ एबजेक्टिव कितने केसेस होते हैं पहला है आपका एट्रीब्यूटिव ठीक है पहला केस है आपका एट्रिब्यूटिव एंड सेकेंड वाला क्या है आपका प्रिडिकेटिव ठीक है पहला क्या है एंड प्रेडिकेटिव तो दो टाइप के जो है आपके केसेस होते हैं में ठीक है मैंने क्या बोला एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव एग्जाम्पल पर आ जाते देखो अगर नाउन के पीछे कोई अगर एजेक्टिव आ रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं प्रेडिकेटिव नाउन के पीछे यानी कि दिस यानी कि दिस अगर यहां होता सिर्फ राम इज इंटेलिजेंट अगर होता राइट right? तो यहां पर क्या है नाउन के पीछे आ रहा है तो जब कोई भी एडजेक्टिव आप एक नाउन के पीछे लगाते हो जब आप एक एडजेक्टिव को नाउन के पीछे यूज करते हो उसे हम प्रेडिकेटिव केस बोलते हैं कौन से केस बोलते हैं प्रेडिकेटिव केस और जब आप एक नाउन के आगे आप एडजेक्टिव को लगाते हो बेटा तो वो आपका कौन सा केस बन जाता है एडजेक्टिव का दैट इज एट्रीब्यूटिव अब कंफ्यूजन हो रही होगी कि मैम कैसे याद करें एट्रीब्यूटिव कौन सा है प्रेडिकेटिव कौन सा है ये तो बड़े सिमिलर्स हैं एक आगे आ रहा है एक पीछे आ रहा है देखो आगे पीछे वर्ड इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि इसी में ही जो है आपका निमोनिक्स है यानी कि जब आप एडजेक्टिव को ओ ओ से से आगे लगाओगे तो से केस बनेगा जब आप एडजेक्टिव को एक नाउन के पीछे लगाओगे यानी कि प से पीछे तो प से प्रेडिकेटिव केस बनेगा ठीक है तो दो केसेस होते हैं बेटा आपके कौन कौन से एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव केस दो केस होते हैं ठीक है अब आ जाते हैं हमारे एग्जाम्पल पर ठीक है एग्जांपल क्या है राम इज ओबेडिएंट राइट अब अगर मैं सेंटेंस में करेक्शन करूं और मैं यहां पर राम की जगह ही वर्ड का यूज करूं ठीक है ही वर्ड का यूज करूं तो गलत तो नहीं है क्यों क्योंकि हम प्रोनाउन को जो है रिप्लेस करने के लिए यूज करते हैं ना प्रोनाउंस का यूज होता है नाउन को रिप्लेस करने के लिए अब नाउन को रिप्लेस करके हमने क्या लगा दिया एक प्रोनाउन ही राइट right? तो यहां पर देखो प्रोनाउन के बाद में एक एडजेक्टिव लिखा जा रहा है तो दिस विल बी आल्सो कंसिडर्ड एज प्रेडिकेटिव केस इसको भी क्या माना जाएगा प्रेडिकेटिव से पीछे से ठीक है तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि अगर आपके प्रोनाउन के पीछे अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो भी आप उसे कैसा केस कंसिडर करोगे केस करोगे। आप question है, क्या प्रोनाउन केस, केस भी सकते हो क्या आप एक बना सकते हो क्या ठीक है एट्रीब्यूटिव यानी कि आगे अब देखो बॉय को रिप्लेस करू मैं यहां पर अगर ही लगाऊ राइट तो इंटेलिजेंट ही क्या यह सही बनेगा नहीं राइट कभी भी ये करेक्ट नहीं बनेगा अब जो आपके प्रोनाउन के रिस्पेक्ट में एक एडजेक्टिव जो है वो कभी भी एट्रीब्यूटिव केस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है क्योंकि हम एडजेक्टिव को कभी भी ना, आ, कभी भी जो है प्रोनाउन के आगे नहीं लगा सकते हैं आप एक एडजेक्टिव को प्रोनाउन के आगे लगा सकते हो जैसे कि इंटेलिजेंट बॉय था राइट तो इस हिसाब से प्रोनाउन जो है कभी भी जैसे कि मैंने बोला आपका एक एडजेक्टिव के बाद में नहीं आता है सो फॉर दैट रीजन कभी भी प्रोनाउन के रिस्पेक्ट में आपका एट्रीब्यूटिव केस नहीं बनता है ठीक है सो दीज जो मैंने अभी आपको बताए ठीक है तो एग्जाम्पल जैसे हम अगर यहां देखे ठीक है अगर एग्जाम्पल यहां पर हम देखे ठीक है तो हम जो है यहां पर ये यह जो एग्जाम्पल दिए इसमें से आइडेंटिफाई करेंगे कि जो गिवन एडजेक्टिव है वो प्रेडिकेटिव है या फिर एट्रीब्यूटिव है ठीक है तो right? ठीक है 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 देखो क्या अब जो इसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया गया है राइट right? तो इनफ क्या है आपका यहां पर एडजेक्टिव है राइट right? अब ये जो है अ से आगे लगाया गया है तो यानी कि ये कौन सा केस हुआ आपका एट्रीब्यूटिव केस हुआ कौन सा केस बन जाएगा स्टेट लेवल स्टेट लेवल है, क्या बोला है? तो नाउन तो के पीछे आ रहा है प्रेडिकेटिव बना रहा है अब इस नाउन के रिस्पेक्ट में क्या रहे? आ रहे हैं आगे आ रहे तो ये दोनों जो है ठीक है प्रेडिकेटिव एंड एट्रीब्यूटिव दोनों केस है ठीक है नेक्स्ट है ब्रेव आर्मी मार्च थ्रू द स्ट्रीट्स ठीक है आर्मी क्या है आर्मी इज अ कलेक्टिव नाउन राइट अब उसको जो है एक्सप्रेस करने के लिए क्या लिखा है ब्रेव राइट right? तो ओ से आगे आ रहे तो यानी कि ये कौन सा केस हुआ आपका औ से एट्रीब्यूटिव का केस हुआ ठीक नेक्स है नेक्स्ट no है आई हैड नो आइडिया सच अ फैंटास्टिक प्लेस एग्जिस्टेड ठीक है क्या बोला है आई हैड नो आइडिया फैंटास्टिक प्लेस अब प्लेस क्या है यहाँ पर दिस इज अ नाउन राइट एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया गया है, के आगे है तो अगर है. है, क्या बोला है सम ऑरेंजिस आर प्रिटी सावर तो यहां पर देखो यहां पर जो है ऑरेंजेस एक नाउन है सावर एक नाउन है राइट ऑरेंजेस एंड दो नाउन सावर सॉरी ठीक है ऑरेंजेस एक नाउन है ठीक है यहाँ पर जो ऑरेंजेस है उसके बारे में बोला है pretty sour. तो सावर जो वर्ड है बेटा यानी कि खट्टा तो ये कैसा केस बन रहा है आपका प्रिडिकेटिव केस बन रहा है कैसा केस बना प्रिडिकेटिव अब देखो यहाँ पर क्या बोला है सम ऑरेंजेस सम यानी कि कुछ ठीक है अब आप एक नाउन को जो है नंबर के बेसिस पर या क्वांटिटी के बेसिस पर भी जो है एक्सप्रेस कर सकते हो फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ पेन मैं कह रही हूँ थ्री पेन्स सो so, थ्री जो वर्ड होगा दैट वुड बी कंसिडर्ड एज व्हाट एडजेक्टिव राइट तो यहाँ पर सम जो वर्ड है दिस इज आल्सो एन एडजेक्टिव राइट अब क्वेश्चन है कि दोनों कौन सी केस के है ठीक है सावर जो वर्ड है जो सावर वर्ड है ठीक है सावो जो वर्ड है दिस इज मेकिंग अ प्रेडिकेटिव केस ऑफ एडजेक्टिव ठीक है अब सम जो है वो कैसा बना रहा है अ से आगे तो अ से एट्रीब्यूटिव ठीक है कैसा केस बना रहा है एट्रीब्यूटिव का केस बना रहा ठीक है तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि केसेस जो हैं हमारे कितने होते हैं बेटा दो होते हैं एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव जब आप किसी नाउन या प्रोनाउन के पीछे अगर आप किसी एडजेक्टिव को लगाते हो तो वो प्रेडिकेटिव बनता है अगर किसी नाउन के आगे लगाते हो तो एट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के आगे हम कभी भी एक एडजेक्टिव को नहीं लगा सकते हैं एंड इसलिए जो है उसका कोई भी एट्रीब्यूटिव केस जो है एग्जिस्ट नहीं करता है नाउ वी आर गोइंग थ्रू द एडजेक्टिव्स के kinds, तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स को अब हम कवर करने वाले हैं सो so, जो आपके काइंडस होते हैं जो टाइप्स होते हैं एडजेक्टिव के वो बहुत सारे हैं सो वी आर स्टार्टिंग विद फर्स्ट वन एंड फर्स्ट वन है आपका एज्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्वालिटी यानी कि उसको जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव इसको बोला जाता है ठीक है डिस्क्रिप्टिव यानी कि ये जो है ये जो आपका टाइप ऑफ एडजेक्टिव है वो आंसर करता है क्वेश्चन को दैट इज ऑफ व्हाट काइंड किस तरह का ठीक है किस तरह का फॉर एग्जाम्पल कोलकाता इज अ लार्ज सिटी किस तरह की सिटी है लार्ज है ही इज एन ऑनेस्ट मैन किस तरह का आदमी है ऑनेस्ट है ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हो ऑफ वट काइंड के क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं ठीक है जब कोई एडजेक्टिव आपके ऑफ वट काइंड को आंसर करे तो उस एडजेक्टिव को हम क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं एजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जैसे जिसमें जनरली अगर हम देखें तो हम किसी तरह के अपने ओपिनियन को बता रहे होते हैं तो जहाँ पर हम ओपिनियंस को बताते हैं लाइक ऑसम गॉर्जियस ब्यूटिफुल दीज टाइप्स ऑफ एट्रेक्टिव आर वॉट क्वालिटी वो उसकी क्वालिटी को बता रहे हैं ठीक है ऑफ वट काइंड को आंसर कर रहे हैं तो वो क्या है आपका एड्रेक्टिव ऑफ क्वालिटी है आगे चलते हैं नेक्स्ट है आपका एज्रेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मैंने आपको बताया था जैसे कि था सम ऑरेंजेस तो क्वांटिटी के बेसिस पर भी जो है किसी नाउन को आप क्वालिफाई कर सकते हैं तो क्वांटिटी के बेसिस पर क्या होते हैं कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि हुआ दैट शो हाउ मच ठीक है तो ये जो आपका टाइप ऑफ एडजेक्टिव होता है ना बेटा ये हाउ मच का आंसर करता है जैसे कि पेन हाउ मच पेन या हाउ मेनी पेन ठीक है हाउ मच या हाउ मेनी ठीक है अब देखो हाउ मच बोला है ना कि हाउ मेनी ठीक है मच का यूज हम कहाँ करते हैं हम अनकाउंटेबल नाउंस के लिए यूज करते हैं ठीक है चीके? तो किसी अनकाउंटेबल नाउन के आगे इनको यूज किया जाता है एंड उनकी क्वांटिटी को बताया जाता है जैसे कि आई एट कुछ चावल खाए तो सम ठीक है ही शोड मच पेशेंस तो मच हुआ ही हैजटल इंटेलिजेंस लिटल ठीक है ये सब क्या है बिल्कुल फिक्स्ड नहीं होता नंबर्स में आप काउंट नहीं कर सकते वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है तो ये हुआ नेक्स्ट है वी हैव हैड इनफ एक्सरसाइज ठीक है ठीक है तो जनरली ये जो है किस चीज का आंसर कर रहे होते बेटा हाउ मच का आंसर कर रहे होते है? अब देखो जितने भी नाउन्स के लिए इनका यूज किया गया है ऑल ऑफ दीज नाउन्स आर अनकाउंटेबल ठीक है राइस अनकाउंटेबल वैसे आप ग्रेन गिन सकते हो बट अनकाउंटेबल की कैटेगरी में राइस आते हैं क्योंकि आप शॉप पर जाते हो तो ये तो नहीं कह रहे चार दाने चावल के दे दो हम क्या बोलते हैं वन के जी ऑफ राइस राइट तो ये अनकाउंटेबल है इसके लिए मेजरमेंट यूनिट चाहिए होती है ठीक है तो दिस विल बी कंसिडर्ड अनकाउंटेबल पेशियंस जो है आप नाउन है अनकाउंटेबल नेक्स्ट है इंटेलिजेंस अनकाउंटेबल गिन तो नहीं सकते इंटेलिजेंस को या पेशेंस को नेक्स्ट है एक्सरसाइज एक्सरसाइज को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं बट फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज को जो है हम फॉर श्योर sure, काउंट कर सकते हैं यानी कि ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है सेकेंड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है राइट वेल्थ वेल्थ भी जो है कभी भी मेजर नहीं की जा सकती है ठीक है इसकी अमाउंट हो सकती है जैसे मैं बोलू फाइव करोड़ रुपीज है उसके पास तो वो जो है अलग चीज है ठीक है तो यहां पर वेल्थ जो है जो दौलत होती है बेटा वो भी गिनी नहीं जा सकती है जो वर्ड वेल्थ है उसमें आप काउंट नहीं कर सकते हो जो मनी होता है ठीक है उसके आप कॉइन्स या नोट हो गए या फोर लैंड ऑफ जमीन एंड ऑल अगर इस तरह से हो तो जो है वो काउंटेबल के कैटेगरी में आ सकता है नेक्स्ट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर अब जो हमारे पास है वो नंबर का है लास्ट क्या था क्वांटिटी था ये जो है इन सबका काम जो है कहाँ होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ होता है इनको आप हमेशा अनकाउंटेबल नाउंस के आगे यूज करोगे ठीक है अब ये जो आपके एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है यानी कि नंबर नंबर क्या होता है बेटा नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स बचपन में हम क्या कहते थे काउंटिंग राइट right? तो ये जो आपके एडजेक्टिव्स एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर दीज आर यूज्ड फॉर हैउंटेबल्स किसके लिए होता है काउंटेबल्स के लिए यानी कि काउंटेबल नाउन के लिए ठीक है ये आंसर करता है बेटा हाउ मच को ये आंसर करता है बेटा हाउ मेनी को ठीक है ये किसको आंसर करेगा हाउ मेनी को ठीक है अब ये जो है बेटा फर्दर थ्री टाइप्स के होते हैं क्या ऑफ नंबर तीन तरह के होते हैं पहला डेफिनेट एडजेक्टिव जिसमें आपको एग्जैक्ट नंबर पता होता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वाले ठीक है तो ये जो डेफिनेट न्यूमरल ऑब्जेक्टिव है इसमें आपको एग्जैक्टली exactly नंबर्स का पता होता है कितना ठीक है काउंटेबल्स के लिए यूज किया जाता है कितना ठीक है 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 अब ये जो आपके एक एक होता है आपका cardinals, और एक होता आपका और क्या हुए One, two, three, four, five, six, seven. जैसे कि मैं बोल रही एटसेट्रा ठीक है नेक्स्ट है ऑर्डिनल्स ऑर्डिनल कौन से होते हैं जिसमें आप एस टी आरडी एनडी और टीएच लगाते हो लास्ट में जैसे कि फर्स्ट ठीक है फर्स्ट सेकेंड थर्ड एक्सेट्रा जैसे कि फोर्थ चैप्टर फिफ्थ लेक्चर सेशन ठीक ठीक है 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 तो ये सब क्या है आपके? है. अब ये सब सब क्या आपके आपके अब भी जो है आपके adjectives होते हैं है आगे चलते हैं नेक्स्ट है इनडेफिनेट न्यूमरल एब्जेक्टिव अब देखो एक मैं कह रही हूं कि वहां पर पांच लोग खड़े हैं ठीक है तो पांच क्या हुआ आपका डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव हुआ राइट फाइव पीपल ठीक है फाइव में भी ये क्या हुआ आपका फाइव में भी ये आपका कार्डिनल हो गया कार्डिनल वन टू थ्री फोर फाइव पीपल फाइव इज कार्डिनल ठीक है अब मैं कह रही हूं वहां पर ना लोग खड़े हैं बट मुझे इतना पता है कि लोग खड़े हैं बट इतना नहीं पता कितने लोग खड़े हैं ठीक है एग्जैक्टली मुझे नहीं पता तो जब आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता है तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो बेटा इंडेफिनेट न्यूमरल का यूज करते हो जिसमें आ जाता है ऑल नो मेनी फ्यू सम एनी सर्टेन सवरल sundry, ठीक है ये सब आते हैं जैसे मैं बोल रही हूँ फ्यू पीपल were स्टैंडिंग ओवर देयर सम पीपल आर स्टैंडिंग ओवर there, ठीक है ऑल पीपल आर सिटिंग देयर नो पर्सन was सिटिंग देयर मैनी फ्यू etc. ठीक है तो मैं कह रही हूँ मैनी पेन्स मेरे पास बहुत सारे पेन्स हैं प्लूरल है पेन इज काउंटेबल मैनी वर्ड का यूज किया बट कितना एग्जैक्टली exactly ये नहीं पता ये तो पता है कि ज्यादा पेन है एक से ज्यादा पेन है ठीक है तो मैं मैनी वर्ड का यूज कर रही हूं बट मुझे एग्जैक्टली exactly नहीं पता अगर एक्जैक्टली exactly पता है दस पेन है तो वो आपका क्या हुआ डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव मैं कह रही हूं मेरे पास कुछ पेन है बट एग्जैक्टली exactly कितने हैं नहीं पता हाँ, ये पता है कि ज्यादा है तो मैं मैनी वर्ड यूज करूंगी ठीक है चेके? तो ये थे आपके जो है नंबर के बेसिस पर अब नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव ठीक है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव मतलब प्रोनाउंस वाले सेशन आपको याद होगा हमने किया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस ठीक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में हमने क्या क्या सीखा था ईच एवरी वन नन ईदर नीदर वर वर योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस अब इनमें भी यही आते हैं इनमें भी यही वर्ड आते हैं क्या क्या ईच एवरी वन ठीक है ये सब आते हैं अब आप देख रहे हो कि ये तो बिल्कुल सिमिलर है मैम ये तो प्रोनाउंस भी है अब आप कह रहे हो कि एडजेक्टिव्स भी होते हैं बट हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि किसी भी सेंटेंस में जो ये वर्ड यूज किए गए हैं वो एडजेक्टिव है या फिर प्रोनाउन है ठीक है कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो बेटा देखो आपको इतना पता है कि एडजेक्टिव का यूज़ जो है हम कहां करते हैं बेटा के आगे जनरल एक स्पेसिफिक सा वर्ड समझ में आ गया ठीक है समझ आ गया राइट right? तो आप देखेंगे कि जब आप इन वर्ड्स को किसके आगे लगाओ नाउन के आगे तो इनको क्या कंसिडर किया जाएगा एडजेक्टिव कंसिडर किया जाएगा यानी कि जैसे हुआ ईच बॉय वॉ स्टैंडिंग ओवर या सेटिंग जो भी है ऑन अ बेंच यानी कि हर एक बेंच पर बॉय बैठे हुए थे ठीक है नेक्स्ट क्या हो सकता है नींद कैंडिडेट ठीक है और एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है अब यहां पर देखो क्या है द स्टूडेंट सेलेक्टेड वॉज नन ठीक है अब यहां पर देखो यहां पर लास्ट वाले सेंटेंस में ठीक है द स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स की जगह अगर हम कुछ और लगाते हैं कोई प्रोनाउन लगाते हैं तो क्या लगा सकते हैं ठीक है चीके? ठीक है तो दो स्टूडेंट्स यहां पर क्या है दिस इज अ नाउन राइट इसको रिप्लेस कर दे देम से हम्म अच्छा अब दूसरा लेते हैं अभी पहले इससे समझते हैं ठीक है यहां पर देखो क्या है नाउन है राइट right. क्या है नाउन है है ना यहां पर कैंडिडेट भी जो है दिस इज आल्सो अ नाउन तो जब भी आप इन वर्ड्स का यूज किसके आगे करोगे बेटा नाउन के आगे करोगे तो इनको हम क्या कंसिडर करेंगे हमेशा एडजेक्टिव कंसिडर करेंगे क्या कंसिडर करेंगे एडजेक्टिव्स। अब देखो प्रोनाउन के केस में क्या होता है प्रोनाउन के केस में क्या होता है कि नाउन को रिप्लेस करने का काम किसका होता है प्रोनाउन का होता है ठीक है अब मैं अगर कैंडिडेट को रिप्लेस कर देती हूँ किससे कैंडिडेट वर्ड को अगर मैं रिप्लेस कर देती हूं किससे इट ठीक है किससे इच से right. राइट तो अगर मैं लिख रही हूं नीदर ऑफ एट या फिर नीदर ऑफ देम ठीक है तो यहां पर जो ये नीदर वर्ड है दिस विल बी कंसिडर्ड एज वर्ट दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ प्रोनाउन ठीक है तो हमेशा इन वर्ड का कहां यूज होगा बेटा ना के आगे होगा जैसे हुआ ईच बॉय एवरी मैन एवरी वर्ड ईदर पेन ईदर साइट एंड है तो यहां पर क्या है सभी में क्या है नाउन्स के आगे इन सबको प्लेस किया गया है एंड दैट द रीजन वाई इनको जो है क्या कंसिडर किया जाएगा एडजेक्टिव कंसिडर किया जाएगा ठीक है अब इनका यूज देखो वही है जो मैंने आपको बताया लाइक like, ईच का यूज जो है हम कहां पर करते हैं ईच का हम यूज करते हैं बेटा टू या मोर देन टू के लिए टू या मोर देन टू के लिए हम यूज करते हैं एवरी का यूज किया जाता है थ्री या मोर के लिए थ्री या मोर सब्जेक्ट्स के लिए ठीक है वन का मतलब क्या हुआ काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में से किसी एक का सिलेक्शन नन क्या हुआ काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में से किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ इधर और नीदर का यूज़ किया जाता है बेटा दो सब्जेक्ट्स के लिए इधर मतलब दो में से कोई एक नीदर मतलब दोनों में से कोई भी नहीं ठीक है तो वही सिमिलर रूल रहेगा इसका भी ठीक है तो इनको जो है आप इस तरीके से ऐसे जो है आ, नाउस के आगे प्लेस करते हैं और हमेशा इनका यूज़ आप कहाँ करेंगे हमेशा सिंगुलर नाउंस के आगे ठीक है सिंगुलर नाउन जो है इनके साथ लगाया जाता है कभी भी प्लूरल नहीं लगाया जाता जब आप ऑफ द का यूज करते हो तब जो है आप प्लूरल जो है नाउन का यूज नेक्स्ट वी हैव इज द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वही सिमिलर है दैट इज दिस एंड अब अगेन सिमिलर similar है सिमिलारिटी है डिफरेंशिएट कैसे करोगे डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे दोनों को वही रूल है वही रूल है क्या कि अगर आप अगर आप इन वर्ड्स का यूज करते हो किसके आगे नाउन के आगे तब तो इसको हम कंसिडर करेंगे क्या एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल दिस पेन ठीक है दैट पेन ठीक है दीज Pens एंड those pens, ठीक है अब यहां पर देखो क्या है इन सभी वर्ड्स का कहा यूज किया बेटा नाउन के आगे ठीक है अब और एग्जांपल देती हूं मैं आपको दिस इज अ पेन ठीक है सेकेंड है this is that is my car ठीक है नेक्स्ट है दोज आर माई स्टूडेंट्स ठीक है दीस आर माई फ्रेंड्स हम्म ठीक है अब यहां पर देखो क्या है दिस दैट दोस दीस ये सभी जो है एक नाउन के आगे यूज नहीं किए गए हैं ठीक है फर्स्ट में क्या है फर्स्ट केस में फर्स्ट केस में जो है एक नाउन के आगे इनका यूज़ किया गया है एंड सेकेंड केस में क्या है नाउन के आगे यूज़ नहीं किया गया है वैसे तो देखो आपको नाउन दिख रहे हैं बट बीच में क्या है यहाँ पर वर्ब्स का यूज हुआ है ठीक है तो ये वाले जो आपके वर्ड्स हैं दिस विल बी कंसिडर्ड एज एडजेक्टिव इनको हम क्या बोलेंगे एड्जेक्टिव्स बोलेंगे ठीक है और इनको हम क्या बोलेंगे इनको बोलेंगे हम प्रोनाउंस क्या बोलेंगे प्रोनाउंस ठीक है तो जो ये सिमिलैरिटी आपको नजर आ रही है इसमें बहुत ज्यादा फर्क है और आई गेस आप सभी को जो है इसका फर्क भी क्लियर हो गया होगा राइट तो एजेक्टिव का इनका यूज कहाँ करोगे बेटा इनको हमेशा नाउंस के यू साथ यूज करोगे और इनको कभी भी नाउंस के साथ में यूज नहीं किया जाता क्योंकि हमने बेसिक रूल जो है हमारा यही सीखा है प्रोनाउंस का कि प्रोनाउंस को हम कभी भी नाउंस के आगे नहीं लगा सकते राइट सो दैट्स द रीजन वाई इनको जो है हम क्या कंसिडर करेंगे प्रोनाउंस कंसिडर करेंगे ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट है आपका इंटरोगेटिव अब इंटरोगेटिव में भी जो है क्या होता है वही आपके डब्ल्यू एच फैमिली वाले वर्ड्स ठीक है डब्ल्यू एच फैमिली वाले वर्ड्स जितने भी जो हमने प्रोनाउंस में किए थे वट वेयर हु विच हु हुम ठीक है तो अब इन वर्ड्स को जब आप अगेन नाउन के आगे लगा दोगे जैसे कि यहां बोला है वट मैनर ऑफ मैन इज ही ठीक है किस तरह का आदमी है ये ठीक है तो मैनर जो है यहाँ पर क्या है बेटा नाउन है ठीक है विच वे ये भी एक नाउन है दिस तो बुक क्या है यहां पर दिस इज ऑल्सो नाउन राइट तो जब आप डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स का यूज करते हो बेटा नाउन के साथ में यानी कि नाउन के आगे इनको जब आप प्लेस करोगे तो यही जो आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है ठीक है जो हमने इंटरोगेटिव प्रोनाउन में सीखा उन्हें हम एडजेक्टिव्स कंसीडर करेंगे क्लियर आई होप सबको समझ में आ गया होगा तो यहां पर है पिक आउट द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड से टू विच क्लास ऑफ ईच ऑफ देम बिलोंग्स यानी कि कौन सी कैटेगरी के हैं ठीक है नेक्स्ट जैसे कि फर्स्ट है द शिप सस्टेन डैमेज डैमेज क्या बेटा नाउन ठीक है हैवी क्या होगा हैवी किस चीज को बता रहा है किस चीज को बता रहा है क्वालिटी को राइट right? तो यहां पर ये यह जो है ये क्वालिटी वाला है ठीक है नेक्स्ट है आई हैव कॉल्ड सेवरल टाइम्स यहां पर सेवरल क्या है बेटा सेवरल टाइम्स देखो क्या है बार यानी कि एक बार दो बार तीन बार वाला बार राइट right? तो यहां पर ये यह क्या है बेटा काउंटेबल है राइट काउंटेबल एंड ये क्या है बेटा सेवरल क्या है मैनी सेवरल का मतलब हुआ मेनी तो मेनी टाइम्स

और यहां पर ये ठीक है तो यहां पर जो ये आपका लिखा हुआ है जैसे की है दिस इज एक्सप्रेसिंग द क्वालिटी एंड लाइफ भी जो है क्वालिटी को एक्सप्रेस कर रहा है ऐसे ही एवरी मैन एवरी जो वर्ड है दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव वन ठीक है अब हम आ जाते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स की तरफ अब एडजेक्टिव्स की भी जो है कुछ फर्दर डिग्रीज होती है और ये कितनी होती है क्या इनका पर्पस है अब हम ये जानते हैं ठीक है तो जो आपकी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स होती है बेटा दीज आर ऑफ थ्री एन नंबर ठीक है ये कितनी होती है बेटा थ्री होती है ठीक है सो वी है डिग्रीज ऑफ एड्जेक्टिव अब इनके नाम भी जान लेते हैं ठीक है पहला है आपका पॉजिटिव ठीक है कैसा पॉजिटिव ठीक है सेकेंड होता है आपका कंपेरिटिव ठीक है एंड नेक्स्ट होता है आपका सुपरलेटिव अब इनका तीनों का मतलब क्या है ये भी जान लेते हैं ठीक ठीक है है चलिए पॉजिटिव पॉजिटिव से से स्टार्ट करते हैं से. मैं कह रही दिस बुक इज गुड ठीक है दिस बुक इज गुड गुड क्या है बेटा गुड क्या है एडजेक्टिव है राइट right? मैंने क्या बोला दिस बुक इज गुड ये बुक क्या है अच्छी है तो मैंने एक बुक की जो है यहां पर क्वालिटी को बताया ठीक है क्वालिटी को क्या करा है एक्सप्रेस किया है एक चीज की दैट इज बुक ठीक है अब मैं कह रही हूं कि ये जो बुक है इस बुक से बेहतर दूसरी बुक है ठीक है तो क्या हो जाएगा दिस बुक इज बेटर देन दिस राइट दिस बुक इज बेटर देन दिस तो मैं वर्ड यूज करूंगी बेटर ठीक है अब मैं कह रही हूँ काफी सारी बुक्स में से जो ये बुक मेरे पास में है ये सभी से बेहतर है ठीक है सभी से बेहतर है तो उसके लिए मैं क्या बोलूँगी बेस्ट ठीक है क्या वर्ड यूज करूँगी बेस्ट ठीक है तो गुड बेटर बेस्ट ये जो है आपकी तीन डिग्रीज है एक एडजेक्टिव की गुड की ठीक है गुड की ऐसे ही और भी जो है हमारे और भी जो है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स के हम तीन डिग्रीज लिख सकते हैं जैसे कि हुआ स्मार्ट स्मार्टर एंड स्मार्टेस्ट ठीक है तो आपके बच्चे तीन डिग्रीज होती है अब इनका जो है मीनिंग भी जान लेते क्या मीनिंग है क्या पर्पस है देखो जो आपकी पॉजिटिव डिग्री होती है बेटा वो किसी भी नाउन की क्वालिटी को एक्सप्रेस करते हैं ठीक है एक नाउन की क्वालिटी को एक्सप्रेस करने के लिए जो है हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं जैसे कि ही इज इंटेलिजेंट ही इज गुड ही इज स्मार्ट ही इज टॉल एटसेट्रा ठीक है किसी चीज़ की क्वालिटी अब सेकंड में केस में क्या है बेटर स्मार्टर तो यानी कि जब आप दो नाउंस के बीच में कंपैरिजन कर रहे होते हो ऑन बेसिस ऑफ एडजेक्टिव, कि कोई भी चीज किसी से क्या है ठीक है? क्या करते हो यहां पर कंपैरिजन करते हो ठीक है क्या कर रहे हो कंपैरिजन, जब आप दो चीजों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो किसी एक बेस पर किसी एक एडजेक्टिव पर तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा कंपैरेटिव ये कंपैरिजन वर्ड से ही इसको कंपैरेटिव डिग्री का नाम मिला है ठीक है तो एक चीज को दूसरी चीज से बेहतर बता रही हूं मैं ठीक है अब नेक्स्ट है जब मैं वर्ड यूज कर रही हूं बेस्ट या स्मार्टेस्ट या टॉलेस्ट ठीक है अब इस केस में क्या है बेटा काफी सारे नाउन है ठीक है मैं कह रही हूं जितनी भी बुक्स मैंने पढ़ी उसमें से ये वाली जो है क्या है बेहतर है तो काफी सारे सब्जेक्ट्स में से जब मैं किसी एक को क्या बता रही हूं बेटा सुपीरियर क्या बता रही हूं सुपीरियर ठीक है तो सुपीरियोरिटी किसी चीज की दूसरे सब्जेक्ट्स पर मोर देन टू सब्जेक्ट्स पर जब मैं सुपीरियरिटी को दिखाती हूं तो उस डिग्री के लिए जो है मैं सुपरलेटिव डिग्री का यूज करती हूँ एंड इसी से ही जो है इसको इसका नाम मिला है सुपरलेटिव ठीक है तो फर्स्ट का काम क्या है पॉजिटिव का काम है क्वालिटी को बताना किसी चीज की सेकंड का काम है क्या किसी भी चीज के बीच में कंपैरिजन दो चीज़ों के बीच में दो सब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन होता है थर्ड में क्या होता है मोर देन टू के बीच में कंपैरिजन होता है मोर देन टू सब्जेक्ट्स में से किसी एक को सुपीरियर बोला जाता है दैट्स रीजन वाई इन्हें सुपरलेटिव डिग्री बोला जाता है ठीक है अब देखो मैंने बोला दिस बुक इज गुड पॉजिटिव डिग्री ठीक है दिस बुक इज बैटर देन ठीक है तो यहां पर ना बेटा इनके साथ में दान वर्ड का यूज किया जाता है ठीक है अब सुपरलेटिव में क्या होता है दो वर्ड का यूज किया जाता है किसका दो यानी कि द बेस्ट द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट द टॉलेस्ट एथलीट ठीक है तो इनके साथ में सुपरलेटिव डिग्री के आगे जो है आप दो का यूज करते हो और कंपेरेटिव डिग्री के बाद में आप क्या यूज करते हो बेटा दान का यूज करते हो क्लियर समझ आ गया यानी कि कंपैरिजन कहीं पर भी हो रहा है तो हम कंपैरेटिव या फिर दान वर्ड का आपको यूज दिखाए तो हम समझ जाएंगे कि यहां पर कंपैरिजन हो रहा है और सुपरलेटिव के साथ में क्या होता है आपका आर्टिकल द होता है ठीक है अब मैं एक एग्जांपल अगर दे दू दैट इज ऋतु इज एस डैश एस हर मदर ठीक है और एडजेक्टिव है टॉल तो आपको देखना है कि कौन सी डिग्री लगेगी कौन सी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज किया जाएगा नेक्स्ट है दिस केक इज सो दिस प्लेस इज सो डैश एस हेवन ठीक है अब यहां पर जो वर्ड है गुड ठीक है तो यहां पर देखो आपको बताना है कि हम कौन सी डिग्री लगाएंगे टॉल टॉलर टॉलेस्ट में से आपको बताना क्या आएगा गुड बेटर बेस्ट में से आपको बताना क्या आएगा क्या बोला है रितु इज डैश डैश एज हर मदर जो रितु है वो अपनी मदर के जितनी टॉल है राइट right? तो यहां पर हम क्या लिखेंगे हम टॉल लिखेंगे एज टॉल एज हर मदर नेक्स्ट है दिस प्लेस इज सो डैश एज हेवन अब वर्ड है हमारे पास एडजेक्टिव दैट इज गुड तो, तो गुड होगा बेटर होगा या बेस्ट होगा ठीक है यहां पर क्या होगा बेटा गुड होगा अब क्वेश्चन है मैम क्यों इसके पीछे क्या रोल है रोल ये है बेटा आपका कि जहाँ पर भी जहाँ पर भी आपको एडजेक्टिव का यूज़ करना हो और वहाँ पर वर्ड्स का यूज़ किया गया हो एज डाशाज या सो डाशाज राइट तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी एडजेक्टिव लगाना है बेटा तो हम हमेशा यहाँ पर कौन सा डिग्री लगाएंगे हमेशा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे ठीक है सो so, डाशास जो भी ऑब्जेक्टिव यहां पर ब्लैंक्स में होगा दैट मस्ट बी इन पॉजिटिव डिग्री ठीक है अब एक और हम क्वेश्चन कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले अब आगे है ऋतु इज ऋतु इज डैश दान हर सिस्टर ठीक है एक ये है नेक्स्ट है ऋतु इज डैश Beautiful than ठीक है दो सेंटेंसेस है अब यहां पर आपको क्या करना है आपको जो गिवन एडजेक्टिव है ब्रैकेट में इसका जो है आपको करेक्ट डिग्री का यूज करना है ठीक है तो क्या बोला है इज डैश दान हर सिस्टर देखो दान वर्ड का यूज हो गया यानी कि कंपैरिजन हो रहा है अब यहां पर देखो कंपैरिजन किस किस का हो रहा है ऋतु का हो रहा है और उसकी सिस्टर का हो रहा है राइट तो दो नाउंस के बीच में कंपैरिजन हो रहा होता है तो हम कैसी डिग्री लगाते हैं कंपेरेटिव डिग्री राइट सो वट वुड बी दंपेरेटिव डिग्री फॉर वर्ड ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल वर्ड का जो है कंपेरेटिव डिग्री क्या होगा ब्यूटिफुलर नो no. क्या होगा ब्यूटीफुलर होगा क्या नहीं यहां पर जो है हम क्या लिखेंगे मोर ब्यूटीफुल ठीक है अब क्वेश्चन है मैम क्यों ऐसा क्यों किया कि यहां पर आपने ब्यूटीफुलर की जगह मोर क्यों लगाया ठीक है तो मोर का हमने क्यों यूज किया बेटा क्योंकि जो आपके एडजेक्टिव दो सिलेबल वाले होते हैं जो एडजेक्टिव्स आपके दो सिलेबल वाले होते हैं उनमें जो है हम कभी भी ई आर या फिर ई एस टी को डायरेक्टली नहीं कंबाइन करते हैं ऐसे वर्ड्स के साथ में जो है हम किस वर्ड्स का यूथ यूज़ करते हैं दैट इज दैट इज मोर या मोस्ट ठीक है मोर या मोस्ट का यूज करेंगे अब यहां पर देखो दो चीजों का कंपेरिजन हो रहा है अब अगर सुपीरियोरिटी दिखाना होता कि ऋतु जो है वो सबसे सुंदर है तो हम क्या बोलते हैं मोस्ट ब्यूटिफुल ठीक है ना कि ठीक है अब नेक्स्ट सेंटेंस uh, पर आ जाते हैं नेक्स्ट है रितु इज डैश ब्यूटिफुल दैन पोलाइट अब देखो दैन वर्ड देख लिया दैट इज यहाँ पर क्या हो रहा है कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरिजन हो रहा है तो क्या लगाएंगे कंपैरेटिव डिग्री राइट अब यहां पर कंपैरेटिव डिग्री क्या है मोर ब्यूटिफुल तो हम क्या लिख देंगे मोर ब्यूटिफुल क्या हो जाएगा मोर ब्यूटिफुल ठीक है मोर ब्यूटिफुल ठीक है अब अगर मैं अगर इस एडजेक्टिव को चेंज कर दूं मैं इस एडजेक्टिव को चेंज कर देती हूं ठीक है स्मार्ट ठीक है स्मार्ट लिख रही हूं मैं तो आपको यहां पर जो है क्या लगाना है यहां पर कंपेरेटिव डिग्री लगाना है राइट right? अब देखो जो आपका ये वर्ड है स्मार्ट इसका कंपेरेटिव डिग्री क्या बन जाएगा स्मार्ट स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, राइट क्योंकि ये सिंगल सिलेबल वाला है सिंगल सिलेबल वाले के साथ में हम क्या लगाते हैं बेटा सिंगल सिलेबल वालों के साथ में हम ई ER आर का यूज करते हैं ठीक है सिंगल सिलेबल वालों के साथ में ठीक है स्मार्ट क्या है सिंगल सिलेबल वाला वर्ड है जैसे कि ब्यूटीफुल जो है ब्यूटी प्लस फुल से बना है राइट right. अब यहां पर स्मार्ट जो वर्ड है ये एक सिंगल सिलेबल वाला वर्ड है तो आप इसे जो है डायरेक्टली कंपेरेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि क्या होगा स्मार्टर होगा ठीक है स्मार्ट का कंपेरेटिव डिग्री क्या होगा स्मार्टर ठीक है तो यहां क्या लिखा है ऋतु इज स्मार्टर दैन पोलाइट हम लिखेंगे बट क्या ये सही है नहीं यहां पर हम क्या लिखेंगे हम लिखेंगे मोर स्मार्ट क्या लिखेंगे मोर स्मार्ट ठीक है बट क्वेश्चन है कि मैम हम क्यों मोर का यूज कर रहे हैं हम क्यों मोर स्मार्टर का यूज नहीं कर रहे हैं हमने जो है यहां पर मोर को लिखा है जबकि हमें नीड नहीं है रीजन इज जो फर्स्ट सेंटेंस आप देख रहे हो फर्स्ट सेंटेंस में क्या है दो नाउंस का कंपैरिजन हो रहा है किसका कंपैरिजन हो रहा है दो नाउंस को दो हाउंस का तो जब भी दो नाउंस का कंपैरिजन हो रहा हो तो उस केस में जो है आप इस तरह से जो है आप अपने कंपेरेटिव डिग्री को लगा सकते हैं अगर यहां पर स्मार्ट होता तो स्मार्टर आप लिख सकते थे ठीक है क्या लिख सकते थे स्मार्टर ठीक है बट यहां पर क्या है ऋतु का क्या किसी नाउन से कंपेरिजन हो रहा है पहली बात देखो यहाँ पर नाउन कहाँ है एक तो ये ऋतु नाउन हो गया ठीक है और कोई नाउन है नहीं यहां पर स्मार्ट जो है दिस इज एन एडजेक्टिव, राइट पोलाइट जो है ये भी एक एडजेक्टिव है क्वालिटी है सो so, जब भी दो क्वालिटी का कंपैरिजन हो रहा होगा तो उस केस में हम क्या करते हैं हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करते हैं हम मोर के साथ में पॉजिटिव डिग्री का यूज कर देते हैं ठीक है किसका यूज कर देंगे पॉजिटिव डिग्री का दैट्स द रीजन वाई इट हैज बीन रिटर्न आज रितु इज मोर स्मार्ट देन पोलाइट ठीक है तो आई होप सभी को जो है ये रूल समझ में आ गया होगा आगे चलते हैं नेक्स्ट वी हैव इज प्लेसमेंट ऑफ एब्जेक्टिव ठीक है यही रूल जो है दोबारा से भी रिपीट होगा अभी हम जान लेते हैं कि एडजेक्टिव्स को प्लेस किस तरीके से किया जा सकता है ठीक है हमने सीखा कि हमारे जो एडजेक्टिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो काफी सारे टाइप्स के होते हैं राइट कलर के बेसिस पर हो सकता है नंबर के बेसिस पर हो सकता है एंड साइज के बेस पर हो सकता है राइट right? तो काफ़ी सारे आपके एडजेक्टिव्स होते हैं अब जब एक तो हो गया कि सेंटेंस में हम सिर्फ और सिर्फ एक ही एडजेक्टिव का यूज करें कहीं कहीं पर एक से ज्यादा एडजेक्टिव भी आ सकते हैं ठीक है तो ऐसे केस में क्या होता है कि हमें कुछ पर्टिकुलर एडजेक्टिव्स को पहले प्रायोरिटी देनी होगी और कुछ सर्टेन वालों को बाद में प्रायोरिटी देनी होगी अब ये प्रायोरिटी वाला जो केस है बेटा ये किस पर डिपेंड करता है ये डिपेंड करता है एक सीक्वेंस पे और ये सीक्वेंस जो है मैं आपको सिखाने जा रही हूं विद निमोनिक so, से हम सीखेंगे और हमारा निमोनिक है और कॉम क्या है और डॉम ठीक है अब इनका मतलब क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूं एक एक करके ठीक है ठीक है अब जो ये वर्ड है आपका ओ ठीक है जो आपका वर्ड है ओ ओ स्टैंड फॉर ओपिनियन है? ओ का मतलब क्या हुआ ओपिनियन यानी कि कोई भी चीज को लेकर आपका ओपिनियन कोई भी चीज आपको अच्छी लग सकती है किसी को बुरी लग सकती है किसी को गॉर्जियस लग सकती है तो किसी को बोरिंग लग सकती है सो दीज आर वट दीज आर ओपिनियंस राइट नेक्स्ट है आपका डी डी स्टैंड फॉर डायमेंशन डायमेंशन का मतलब क्या हुआ डायमेंशन से मतलब है कि कोई भी चीज की साइज विड्थ हाइट लेंथ जैसे जिसकी मैं कह रही हूँ स्मॉल पेंसिल लार्ज पेंसिल ये क्या है डायमेंशन है नेक्स्ट है ए ए स्टैंड फॉर वॉट ए का मतलब होता है एज ठीक है कोई भी चीज़ जैसे मैं कह रही हूँ टेन ईयर ओल्ड पेन ठीक है या टेन ईयर ओल्ड बॉय तो टेन ईयर ओल्ड भी क्या हुआ बेटा दिस इज एन एडजेक्टिव ठीक है तो वो एज को शो करता है नेक्स्ट वी हैव इज एस एस स्टैंड फॉर शेप शेप मतलब कि अगर मैं कह रही हूँ डी फॉर्म्ड डी फॉर्म्ड यानी कि टेढ़ा मेढा या कैसा भी ठीक है श्रंक तो ये सब क्या है शेप है शेप को डिनोट करें सी स्टैंड फॉर कलर ठीक है जैसे कि ब्लैक पैन ब्राउन हेयर ठीक है ओ स्टैंड फॉर ओरिजिन ओरिजिन का मतलब क्या हुआ कहाँ से कोई चीज आई है ठीक है तो जैसे यूएस मेड हो गया ठीक है यूएस मेड यूके मेड ये क्या है ओरिजिन को शो कर रहा है नेक्स्ट है एम एम स्टैंड फॉर मटीरियल मटेरियल जैसे कि मैं बोल रही हूँ स्टील बोल ग्लास बोल पेपर बोट प्लास्टिक पेन तो प्लास्टिक पेपर ग्लास स्टील ये सब क्या है मटेरियल है ठीक है मटेरियल नाउन जो आ गए ठीक है नेक्स्ट है पी पी स्टैंड फॉर पर्पस किस चीज़ के लिए अब जैसे कि ये जो पेन मेरे पास है ठीक है इसको आप नोटबुक में यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पर बोर्ड पर कर सकते हो तो मैं कह सकती हूँ स्मार्ट बोर्ड पेन और एक हो गया रेगुलर पेन जिसे आप पेपर पर लिख सकते हो तो ये किसको शो कर रहा है बेटा पर्पस को अब यही सीक्वेंस जो है आपको फॉलो किया जाता है और इसी के बेसिस पर जो है आप प्रायोरिटी देते हो एडजेक्टिव्स को ठीक है अब हम एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं एंड दैट इज आई ओन बिग वुडन यूएस यूएस मेड और क्या हो सकता है स्ट्रोंग टू ईयर्स Old white. लिंग बोट ठीक है अब यहां पर देखो जो वर्ड्स दिए हुए हैं ठीक है इनमें से ये काफी सारे जो वर्ड्स हैं दीज आर एडजेक्टिव जैसे कि हुआ बिग वुडन यूएस मेड स्ट्रॉन्ग टू ईयर्स ओल्ड वाइट सेलिंग बोट ठीक है ये सब क्या है दीज आर ऑल एड्जेक्टिव अब इनको आइडेंटिफाई करते हैं ये कौन से वाला है बिग स्टैंड फॉर डायमेंशन वुडन मटीरियल यूएस मेड ओरिजिन स्ट्रॉन्ग ओपिनियन टू ईयर्स ओल्ड एज वाइट कलर सेलिंग पर्पस बोट क्या है यह आपका नाउन है ठीक है तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे अब जो आपका मैंने आपको निमोनिक बताया इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देते हूँ ओरिजिन और ये है ओपिनियन ठीक है ताकि समझने में आसानी हो अब आपका जो सीक्वेंस था वो क्या था घाटोस ओ डैस कॉम ठीक है अब इसी को ही फॉलो करते हुए हमें जो है इसका सीक्वेंस चेंज करना होगा तो सीक्वेंस क्या चेंज होगा बेटा तो हम यहां से स्टार्ट करें ठीक है सो आई ओन अ ठीक है ओ स्टैंड फॉर ओपिनियन सो स्ट्रॉन्ग ठीक है नेक्स्ट डी डायमेंशन बिग ठीक है नेक्स्ट क्या है ए एज दैट इज टू इयर्स ओल्ड ठीक है एज हो गया एस स्टैंड फॉर शेप यहां पर शेप नहीं है कोई नहीं नेक्स्ट है कलर कलर हो जाएगा वाइट ठीक है नेक्स्ट है ओ ओरिजिन तो यूएस मेड ठीक है नेक्स्ट है मटेरियल वुडन ठीक है एंड पी फॉर पर्पस सेलिंग ठीक है सेलिंग पोर्ट ठीक है तो ये इस सीक्वेंस में जो है आप प्रायोरिटी देते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडेक्टिव को किसी भी सेंटेंस में ठीक है तो यहां पर जो है अभी हम अपने टॉपिक को कवर कर लेंगे यहां पर